मोहब्बत न मिलेगी। माशाल्लाह ये गाना YouTube पर भी जाएगा, कटिहार किंग YouTube चैनल। इसराइल साहब चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। इसराइल साहब जो रोज मुझसे कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। वक्त जाया ना करते हुए मैं 10 मिनट के अंदर गा रही हूँ, क्योंकि एक टर्न उन्हें भी गाना है, उसके बाद खत्म होगा इंशाल्लाह। क्योंकि यकीन जान ले महशर में तू रुसवा होगा अगर तेरी माँ ने तुझे दूध ना बख्शा होगा। सुनेंगे मतलब को नहीं, बहुत खूब बहुत खूब। माँ के कदमों में जन्नत होती है बेशक, और ये तो सभी कहते हैं, मगर वर्ड की फीलिंग को समझो। इसराइल साहब अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि माँ के कदमों में जन्नत है, क्योंकि औरत को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि औरत जब माँ बनती है जन्नत उनके कदमों तले रख दी जाती है। अल्लाह की मोहब्बत देखे जरा। अल्लाह पाक, हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया है, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं अगर किसी का दिल दुखाया है, अगर जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह पाक खुद माफ नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने कितना बड़ा हक दिया है इंसान को, बताइए, समझने की बात है। बस सुनेंगे मतलब के ऐ माँ तेरे जैसी कोई सूरत न मिलेगी। मोहब्बत न मिलेगी। इसराइल साहब बिल्कुल रो रहे हैं और इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि उनके घर में बेटी है। ये कौन कहा कि दुनिया में नरम दिल सिर्फ माँ का होता है? मैंने पिता को अक्सर और मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि मेरे शादी में मेरे पापा गाना गाए, मगर वो हो ना सका। उससे पहले ही अल्लाह ने छीन लिया दौलत। सुनेंगे ये अहद एंड सद्दाम जी के तरफ से बहुत शुक्रगुजार। माँ के चाहने वाले आप लोग भी माँ का सदका अदा करें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गोरे गोरे गाल में काफी लोग देते हैं, मगर माँ से मोहब्बत करने वाले कसम खुदा की मेरे दिल की तमन्ना दिल ही दिल में रह गई, और मेरी शादी भी नहीं हुई उससे पहले अल्लाह ने मेरे बाप को छीन लिया, और मेरी तमन्ना ये थी कि शादी में मेरे पापा गाना गाए, वो शौक दिल ही दिल में रह गया। सुनेंगे कि दुनिया में
के कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबके लिए सीखने के लिए एक हादसा होना जरूरी है। तो ये बात जो मैं समझ रही हूँ कि दुनिया में हर एक चीज मिल जाएगी, मेरे बाप जब चला गया तब मुझे समझ में आया हर एक चीज है, मगर जो दौलत मुझे चाहिए थी वो दौलत तो गायब है। सुनेंगे, दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी। अल्लाह पाक की कसम, मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। सारे चीज मिल जाएंगे बाजार है, खरीदार में, लेकिन माँ और बाप नहीं मिलेंगे। और सही कहा ना गुलजार साहब ने, सही कहा है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबके लिए सीखने के लिए एक हादसा होना जरूरी है। तो ये मिश्रा मैं बिल्कुल फील कर रही हूँ। क्या सुनेंगे के माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई। इशारा साहब क्या नहीं मिलेगी? दौलत न मिलेगी। वफा मत रखना, तुम लुट जाओगे, लुट जाओगे, मैं बता रही हूँ, लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना। और जन्नत में जाने की अगर तमन्ना है तुमको, अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। सुभान अल्लाह। इसलिए सुनेंगे, और लोग कहते हैं कि माँ ने बद्दुआ दे दी, उसकी आंखें कभी खता नहीं कर सकती, कोई शिकवा गिला नहीं कर सकती, लाख बेटा माँ को सताए मगर माँ कभी बद्दुआ नहीं कर सकती। माँ कभी बद्दुआ नहीं। और सैफी साहब फरमाते हैं, ये किसने कहा कि काबिले अजमत नहीं है, रहमत नहीं है, हाफिज़े जन्नत नहीं है? अरे कैसे तूने घर से निकाल दिया बदतमीज, माँ माँ है, कोई फालतू औरत नहीं है। सुनेंगे, माँ के ऊपर ये ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर जाते हैं
कमाने के लिए हाथ उठा के सबूत दे। बहुत सारे लोग जाते हैं, एक माँ अपने बच्चे से कहती है ये बेटा मेरा चश्मा ठीक करा के लाना, हालांकि बहुत कमाता है, मगर कहते नहीं यार अम्मी आप खुद ठीक करा लो, तो लाना थे ऐसी कमाई पर। तो बेटा तो बेटा है, माँ क्या बोलती है सुन लीजिए तो कुर्बान जाइए। माँ बोलती है बेटा चश्मा ठीक करा देते तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती। और मुझे कब शौक थी ये दुनिया देखने की, चश्मा ठीक करा के मैं तुझे ही देखती। सुभान अल्लाह। आई लव माई मॉम। और ये रहमत सद्दाम के तरफ से बहुत सारे रुपए से नवाजे गए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं चश्मा ठीक करा देते तो तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती, मुझे कब शौक थी ये दुनिया देखने की, चश्मा ठीक करा के मैं तुझे ही देखती। देखिए एक सच बात बताऊं, लेकिन मुझ में ये हुनर है कि मैं अपनी कमियां भी रखती हूँ कभी कभी स्टेज पर, कि मुझ में क्या कमियां हैं। मैं कभी कभी अक्सर मम्मी के साथ अगर बातों में नोक झोंक हो जाती है तो मम्मी कहती है कि मुझसे ही तो तुम गुस्सा कर सकती हो और किसको दिखाओगी। तो अल्लाह कसम मैं रो पड़ी थी ये बात सुनकर। माँ कहती है कि दुनिया में किसी को गुस्सा नहीं दिखा सकती मेरे अलावा, तो ये सच बात है कि उनके अलावा मेरा है ही नहीं कोई दुनिया में, बहुत है मगर अजीज नहीं है। ये सुनेंगे क्या कहना है। और माशाल्लाह सब बच्चे एक जैसे नहीं है, इसीलिए क्या कहना है माँ के ऊपर, माशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार हूँ। जवा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है एक बच्चा, जवा होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सके दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान है उस मजदूर बच्चे पर जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। सुभान अल्लाह। मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरी माँ को मैं हज ना करा पाऊँ तो लानत है मेरी कमाई पर, क्योंकि मेरी आखिरी तमन्ना वो है और इसके बाद है ही नहीं कोई तमन्ना। तो इसीलिए क्या कहना है, आज का इंसान बीबी को खफा ना कर सका, माँ से सकती है गई वफा ना कर सका, वो खुदा के हक कैसे अदा करेगा भला जो माँ के दूध का हक अदा ना कर सका। माँ के दूध का हक अदा ना कर सका। बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये गनीमुल रामपुर के रहने वाले गनीमुल के तरफ से गनीमुल जो भी हो, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुलंदी कब तलक इंसान के हिस्सों में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, मैं उस खून का बदला चुकाऊंगी कैसे भला, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है, जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुनेंगे अदा करेगा भला जो माँ के दूध का हक अदा ना कर सका। सुनेंगे माँ बाप को, माँ बाप को तकलीफ जो दे है वो सुन ले, माँ बाप को तकलीफ जो दे है वो सुन ले, माँ बाप को तकलीफ जो दे दे सुन ले। बहुत कीमती बात इसराइल साहब आप सुनेंगे क्या, माँ बाप को जो लोग गंदी गंदी गाली देते हैं आजकल के जमाने में, क्योंकि ये आप सोचिए जब आप छोटे थे, इंक्लूडिंग मी, जब हम छोटे थे तो माँ ने ये नहीं कहा कि तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में नहीं रखूंगी, माँ ने ये कभी नहीं कहा। लेकिन आज इतने बड़े फ्लैट में माँ को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, वृद्धाश्रम उनकी जगह है, जरा सोचिए।
लेकिन आपके फ्लैट में रखने के लिए जगह नहीं, माँ ने अपने शरीर के हिस्से में तुम्हें रखा था 9 महीने तक। चैन सुकून बर्बाद है 9 महीने तक। और जब बच्चा गोद में लेती है तो माँ सुकून पाती है, खुश हो जाती है, इसलिए क्योंकि माँ बाप से जो लोग बदतमीजी करते हैं डायरेक्ट मोहम्मद से रابطہ है उनका, क्या रابطہ है सुनेंगे। माँ बाप को तकलीफ जो दे दे है वो सुन ले, सुनेंगे। क्या माँ बाप को जो लोग तकलीफ देते हैं आजकल के जमाने में वो सुन लीजिए। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी। मुझसे कहा कि माँ को दौलत के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, बाप को दौलत के साथ। मैंने कहा अबे जाहिल, अभी सुनो, ये सबसे कीमती दौलत माँ बाप है, ये दौलत किसी काम का नहीं। अगर सच में कोई दौलत है, खजाना है, वो माँ बाप है। मैंने उनको समझाया, देखिए ये मुझे उम्मीद भी थी कि यहाँ के पब्लिक जो है सिर्फ गोरे गोले गाल नहीं सुनते हैं, ये खानकाई लोग हैं, सुन्नी मुसलमान है, माशाल्लाह खानकाई भी बहुत सुकून से सुने हैं, तवज्जो के साथ सुने हैं माशाल्लाह। सुनेंगे क्या कहना है। पापा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था गाने के लिए, मगर मैं उन्हें पूरा ना कर सका। उनमें से एक गाना ये भी है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल, ले ले ले। हमको भी साथ, अकेले रास्ते हम रह गए अकेले। ये पापा को मैं कह रही हूँ। उनमें से बहुत सारे गाने हैं, अभी तक पूरा नहीं कर पाई हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। सुनेंगे, आखिरी बंद रख रही हूँ आप लोगों के सामने, और उनका आखिरी गाना यही था, दिल दे दिया दिल ले लिया। यही गाना गाते गाते अचानक पान खाने गए, वहीं पे उनको चक्कर आया। और माँ जिससे है राज ही तो खुदा उसे है राज, आए हैं बहुत सारे रुपए से नवाजे गए हैं माँ के ऊपर। माशाल्लाह आपके माँ खुलशेर गुलशेर भाई के तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके माँ को अल्लाह जन्नत अता करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये अहद सद्दाम जी के तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुनेंगे, माँ जिससे है राजी तो खुदा उसे है राजी, उसे है राजी, माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो तो, माँ
आज से खफा हो तो क्या नहीं मिलेगी? माँ जिससे खफा हो जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत न मिले। अब्बा जान कुछ फरमा रहे हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं निहनाज की, आज उनके अबू जान भाई साहबुद्दीन अहमद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। साहबुद्दीन साहब के बच्ची हैं, मैं लफ्ज से उनको और अल्लाह कसम उनके जाने के बाद कोई अच्छा दोस्त ही नहीं मिला मेरी जिंदगी में, माशा इत्तेफाकन। और ये आखिरी बात, अल्लाह ना करे किसी बच्चे को यतीम बनाए, अल्लाह ना करे किसी बच्चे को यतीम बनाए। और बाप को हर शख्स से मोहब्बत होता है, लेकिन मुझे ज्यादा इसलिए है, मैं कभी दूर नहीं रही उनसे। प्रोग्राम के मामले में भी उनके साथ, ननियाल भी जाओ तो उनके साथ, मैं शॉपिंग करने भी जाऊँ तो उनके पसंद से ही कपड़ा पहनती थी मैं। वो अगर कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, नहीं ये मत लो, तो मैं नहीं लेती थी। मैंने अपने पापा के इतने पैर दबाए हैं, मैं इजहार नहीं कर रही ये कसम खुदा की, इतने अम्मी के भी नहीं दबाए मैंने जितने अपने बाप के पैर दबाए हैं मैंने। मैंने तो क्या कहूँ, इतनी मोहब्बत है, उनके बॉडी का हर पार्ट याद आ रहा है, नाखून तक याद आ रहा है। आपने दिल छू लिया सबका। सजन से मिलने जाई मैं कैसे ससुराल, ये दुनिया मैका है वो है ससुराल, जाके बाबुल से मुंह दिखाई कैसे। इसलिए सुनेंगे, मैं आखिरी बंद रख रही हूँ आप लोगों के सामने। माँ जिससे है राजी तो खुदा उससे है राजी, इजहार कर रही हूँ ये शाहरुख खूब समझते होंगे क्योंकि उनके बाप भी इस दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह वो भी अपने बाप से फ्रेंड की तरह ही थे, मुझे पता है उनके उस्ताद भी थे और फ्रेंड भी थे, तो उन पर क्या गुजर रही है, मेरे पर क्या गुजर रही है, हम दोनों सेम हाल में हैं माशाल्लाह। सुनेंगे, माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो तो जन्नत न मिलेगी। तुम जाके कहीं देखो।
इज्जत न मिलेगी। चाहते यार, क्योंकि वो नजर आ रहा है आप लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक एक वर्ड पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ।